बिजली की बढ़ती कीमतों और लोड शेडिंग में इजाफे के सबब हमारे यहाँ सोलर सिस्टम का रुझान बढ़ने लगा है। नाजरीन ग्रामी, सोलर सेल्स या सोलर पैनल्स सूरज की रोशनी में मौजूद तवानाई से बिजली पैदा करते हैं, जिसे दीगर जराए से हासिल होने वाली बिजली पर तरजीह दी जाए तो तवानाई के बहरान में कमी के साथ बढ़ती हुई माहौलियाती तब्दीलियों को लगाम डालने में भी मदद मिलेगी। मगर क्या आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के इस अजीम शाहकार का बिल्डिंग ब्लॉक रेत है? जी हाँ दोस्तों, रेत से लेकर सोलर पैनल तक का सफर आज का मौजूए सुखन रहेगा। तो चलिए नाजरीन देखते हैं कि सोलर पैनल फैक्ट्री में कैसे तैयार होता है, साथ रहिएगा। नाजरीन गिरामी, कई एकड़ एराजी पर फैले सोलर सिस्टम का बुनियादी जुज्व है सोलर सेल, और ये सोलर सेल्स तैयार होते हैं सिलिकॉन से, जिसे हासिल करने के लिए आपको खाक छानना पड़ती है। दरअसल जमीन की बैरूनी सतह में सिलिकॉन की बहुतात है, चुनाचे उम्मीद की जा सकती है कि सोलर टेक्नोलॉजी पर ताला लगने के आसार दूर दूर तक नहीं। अजीज दोस्तों, सोलर सेल की तैयारी के पहले मरहले में रेत को 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के इंतहाई बुलंद दर्जे हरारत पर कार्बन की मौजूदगी में गर्म किया जाता है, जिससे रेत अपने अंदर मौजूद सिलिकॉन उगलने लगती है। बाद अजां इस सिलिकॉन को पिघलाकर तमाम तर कसाफतें अलग कर ली जाती हैं, ताकि सोलर सेल बनाने के लिए खालिस सिलिकॉन हासिल की जा सके। फिर इस सिलिकॉन में बोरोन और फास्फोरस की मामूली मकदार शामिल करके छोटे छोटे टुकड़ों में ढाल लिया जाता है, और बाद अजां एक मशीन इन्हें 0.2 मिलीमीटर मोटाई की नन्नी पट्टियों में काट देती है। दोस्तों, इन पट्टियों पर सिलिकॉन नाइट्राइड की तह लगाकर कदरे खुरदरा कर लिया जाता है, ताकि रोशनी के इनेकास में कमी लाई जा सके। दोस्तों, अगर ऐसा ना किया जाए तो रोशनी का एक बड़ा हिस्सा बिना बिजली पैदा किए माहौल में लौट जाएगा और सोलर सेल की कोई वक्त ना रहेगी। आखिरी मरहले में इस पट्टी पर एक हिफाजती तय लगाई जाती है और आपका सोलर सेल तैयार है। अब एक क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर इनका बारीक बीनी से जायजा लेता है, ताकि किसी सोलर में शगाफ या बैरूनी कसाफत मौजूद ना हो, वरना सोलर पैनल का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। ताहम ऐसे सेक्शंस काट कर खिलौनों वगैरह में इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। नाजरीन, इस छांट के बाद इन सेल्स को मस्नूई धूप से मुतारिफ कराया जाता है, ताकि इनकी कारकर्दगी को परखा जाए। दोस्तों, अब मरहला है सोलर पैनल की तैयारी का, जिसके लिए एक शीशे की प्लेट पर ईवीए की मदद से सेल्स टाइल्स की मानिंद तरतीब से जोड़ दिए जाते हैं। फिर इन सेल्स के बाहमी कनेक्शंस करके इन्हें सील बंद कर दिया जाता है। नाजरीन, अगले मरहले में एक और टेस्टिंग अमल में लाई जाती है, क्योंकि सिलिकॉन एक इंतहाई नाजुक अंसर है, जो सोलर पैनल की तैयारी के दौरान किसी भी मरहले पर टूट सकता है। चुनाचे सोलर प्लेट में से करंट गुजारकर इन्हें रोशन किया जाता है, ताकि गैर रोशन हिस्सों का जायजा लेकर खराब सेल्स की निशानदही की जा सके। नाजरीन, अब तैयार शुदा सोलर पैनल्स को लैमिनेट किया जाएगा। इस दौरान तमाम हिस्सों को एक दूसरे से जोड़ने के बाद इसे मौसम की सख्तियों से बचाने के लिए एक वेदर शील्ड में बंद कर दिया जाता है। सील बंद होने के बाद पैनल से आने वाली तारों पर सर्किट की तंसीब और तमाम पैनल को एक एल्यूमिनियम फ्रेम लगाने का काम अमल में लाया जाता है। नाजरीन, जहां ये फ्रेम सोलर पैनल की मजबूती में इजाफा करता है, वहीं इसकी मदद से पैनल को उठाने और नस्ब करने में आसानी रहती है। अब बारी है इसके पिछले हिस्से पर जंक्शन बॉक्स लगाने की, जो न सिर्फ सेल से आने वाली बिजली यकजा करता है, बल्कि इसमें लगे ड्राइवर्स बिजली की समत यकसू रखने में मदद फराहम करते हैं। क्योंकि सोलर सेल्स का बिहेवियर इंतहाई गैर मुतवक्के है, और ये अपनी तमाम तर जिंदगी में बिजली की मकदार बदलते रहते हैं। चुनाचे कहा जा सकता है कि ये सर्किट बिजली की मकदार और समत कंट्रोल करने का भी जिम्मेदार है। नाजरीन, आखिर में वेदर शील्ड टेस्टिंग के बाद इन सोलर पैनल्स को मस्नूई धूप में रखकर इसकी कारकर्दगी यकीनी बनाई जाती है। दोस्तों, अब सोलर पैनल मुकम्मल तौर पर तैयार है, जिसे बड़े बड़े डब्बों में बंद करके डिस्ट्रीब्यूशन भिजवा दिया जाएगा। हम अपने काबिले सदे एहतराम नाजरीन के इजहार ख्याल के मुंतजर हैं। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक इजाजत चाहूंगा। अल्लाह निगेबान।